पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़े पहने जाने के विवाद पर अब नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, आज उसे बजरंगी गुंडे पहन रहे हैं, बताएं कि उन्होंने क्या त्याग किया है। इस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस प्रवृत्ति के महानुभाव हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पहनना और धारण करना दोनों में अंतर है। जब कोई समाज और परिवार को त्याग देता है उसके बाद वो भगवा या गेरुआ रंग धारण करता है, लेकिन जब ये बजरंगी गुंडे इसे पहनते हैं तो क्या वो बताएंगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या त्याग किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल भगवा कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जनता और समाज के लिए जो मुद्दे नहीं हैं, उन्हें सामने लाकर ये ध्रुवीकरण करते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी रंग का कपड़ा पहने उससे कुछ नहीं होता। भूपेश बघेल के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रिएक्शन दिया है। विज ने कहा है कि हर युग में देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज के राक्षस प्रवृत्ति के महानुभाव हैं। उनको भगवा में दोष नजर आता है, दिन चढ़ता है तो भगवा होता है, रात्रि चढ़ती है तो भगवा होता है। हमारे तिरंगे में भगवा को सबसे ऊपर लिया गया है, इसमें उनमें दोष नजर आ रहा है। जिस तिरंगे के सामने उन्होंने शपथ ली और आज उनको ये इस प्रकार से कह रहे हैं, इनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वहीं भगवा धारियों पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब हिंदू महासभा ने उनके ऊपर पलटवार किया है। अखिल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने उनकी टिप्पणी पर कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास साक्ष्य है तो कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवा पहनने वालों को वसूली करने वाला और बजरंगी गुंडा कहा था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते, अगर वहां ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गुंडई और वसूली करने वाले उनके अपने लोग हैं। हिंदू महासभा के अशोक पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, अगर उनके यहां हो रही गुंडागर्दी के साक्ष्य उनके पास हैं तो वह तत्काल कार्रवाई करें। पांडे ने कहा कि भगवान धर्म का प्रतीक है और सनातन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान से सनातन की पहचान है, अगर भगवा सनातन का प्रतीक नहीं होता तो बुरका भगवा होता काला नहीं। उन्होंने कहा कि भगवा का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी इस पर हल्की प्रतिक्रिया देता है तो चाहे वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, उनको भी इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।